हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 39। तो जैसा कि मैं सेट नंबर 38 में आपको बताया था कि कुछ हम सब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो आज हम सब तीन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम सब डेली देखते हैं, तो आज इस पे आधारित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे ढंग से। तो तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर आज का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जिससे काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 70 बीपीएससी हो, ठीक है, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवेज में तो भर के रहता है, इसके अलावा एसएससी में रहता है, ठीक है, इसके अलावा कोर्ट में भी हो सकता है, रेलवे बिहार एसएससी में रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप अच्छे ढंग से इस वाले पूरे टॉपिक को देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं और पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सेट 38 तक हम सब टोटल 380 प्रश्न देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम सब 381 से लेकर के 390 प्रश्न तक देखेंगे और आज हम सब करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। चलिए तब वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप याद कर लें, 20 तक आपको ये याद रखना है, याद तो इसके आगे भी आप रख सकते हैं पर 20 तक नॉर्मली याद रखें। एक तरफ परमाणु संख्या दिया हुआ है, एक तरफ तत्व दिया हुआ है और उसका परमाणु भार दिया हुआ है, ठीक है। जैसे परमाणु संख्या एक पे कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होगा, एक। हीलियम का परमाणु भार 4, लिथियम का परमाणु भार 7, बेरिलियम का परमाणु भार 9। इसका संकेत भी आप सब याद रखेंगे क्योंकि संकेत भी पूछता है, ठीक है। पांचवा परमाणु संख्या है बोरॉन, और बोरॉन का परमाणु भार होता है कितना, 11। कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16, फ्लोरीन का परमाणु भार 18, नियॉन का परमाणु भार 20, सोडियम का परमाणु भार 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 हम सब यूज करेंगे आगे, ऑर्गन का 36, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। ये परमाणु संख्या भी आप सब याद रखेंगे। तो ये 20 याद करना है, क्या करना है, याद करना है। इसके बना आगे का जो तीन टाइप का जब सब क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो आपका नहीं बनेगा, ठीक है, अगर ये याद नहीं रहा। बात समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए प्रश्न के अनुसार हम सब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे, और जहां पे होगा वो मैं आपको, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख देंगे तो मैं वापस से किसी क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसको याद नहीं करेंगे तो फिर जाकर के आगे सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम सब देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 381 होगा। क्वेश्चन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान निकालें जो 1 मोल के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे, तो कैसे निकालेंगे आप, तो हम सबको निकालना है सॉल्यूशन, देखिए हम सबको निकालना है CO2 का परमाणु द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सी से हुआ क्या है ये तो जानना पड़ेगा हम सबको। तो यहां ऐसे लिखेंगे, यहां C का मतलब कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो 6 नंबर पे कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, 12 है, ये ग्राम में है तो टोटल हो गया 12 ग्राम। O का, O से मतलब यहाँ क्या है, तो ऑक्सीजन से मतलब है, यहाँ O का मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान का अंग्रेजी मास होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे होगा, और इसका जो टोटल परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है वो 16 ग्राम है। अब हम सबको क्या निकालना है, CO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालें, ठीक है। तो CO2, तो C का क्या हो गया, कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, तो 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो वो 16 ग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु है, अगर ध्यान से देखें तो 2 अणु है,
इसलिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, दो से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे तीन अणु होता तो तीन से गुना करते, ठीक है। ये ग्राम हो गया, 12 ग्राम इधर है और 16 गुना दो करेंगे तो हो जाएगा 32 ग्राम, और दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44 ग्राम, और यही 44 ग्राम एक मोल के बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है। मोल पढ़े थे ना हम सब, इसको एवोग्राडो संख्या बोलते थे, देखे थे एक मोल गैस बराबर, सेट 38 अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, उसमें मैं बताया हूँ थ्योरेटिकल पेपर में। तो ये बन गया आंसर, अगर CO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए बोला जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। जल्दी से इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लें। ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा जो चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, वहां पे मैं इसका भी PDF प्रोवाइड करवा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 44 ग्राम आंसर हो गया। एक और उदाहरण के तहत हम सब समझते हैं, ठीक है, उदाहरण एक लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो मान लेते हैं आपसे एक और सवाल पूछ लिया कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अन्य उदाहरण में हम सब समझते हैं CaCO3 का परमाणु द्रव्यमान निकालें, क्या निकालना है हम सबको, परमाणु द्रव्यमान सीखेंगे सवाल को, ठीक है। तो CA से हो गया क्या, CA कहाँ है, कैल्शियम, तो यहाँ CA क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम, और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 40 ग्राम होता है 20 नंबर पे, ये परमाणु संख्या इसका 20 हुआ और इसका परमाणु भार जो है वो 40 ग्राम हुआ, या परमाणु द्रव्यमान 40 ग्राम हुआ, ठीक है। सी से हो गया कार्बन, सी से क्या हो गया कार्बन, यहाँ कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो भी आप बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कार्बन खोजिए आप सब, हम सब तुरंत ढूंढे थे, तो कार्बन का परमाणु भार क्या हो जाएगा 12 ग्राम, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 12 ग्राम, क्या हो गया 12 ग्राम। अब ऑक्सीजन, ओ से हो गया ऑक्सीजन, क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हो गया 16 ग्राम, यहाँ दिया हुआ है तो 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, 16 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे एक्चुअल में है कितना, तो ध्यान से देखेंगे तो O3 है, यानी O3 का हम सबको निकालना है, यानी 16 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 16 * 3 = 48 ग्राम हो जाएगा, जब आप सबको जोड़ देंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, यानी ये CaCO3 का परमाणु द्रव्यमान है, और यही 100 ग्राम एक मोल के बराबर होता है, ठीक है, एक मोल के बराबर होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन काफी बार आएगा और आपको एक एक नंबर देकर जाएगा, बिहार SSC में तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर है, तो 4 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 382 देखते हैं, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बाकी PDF तो है। चलिए 382 नंबर प्रश्न, सेम टाइप है जैसे 381 नंबर है उसी तरह 382 है। NaCl का परमाणु द्रव्यमान निकालें, पहले तो आपको जानना चाहिए NaCl क्या होता है, ये नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl बोलते हैं इसको। अब NaCl का मतलब क्या हुआ, आपको NaCl का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो Na मतलब क्या हुआ, तो Na का यहाँ पे मतलब है सोडियम, क्या मतलब है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होगा, ठीक है, तो सोडियम का यहाँ पे पहले परमाणु भार हम सब लिखते हैं या द्रव्यमान लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं या द्रव्यमान लिखते हैं, तो ये आपको 11वें नंबर पे मिलेगा, और इसका जो परमाणु भार है वो 23 ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है 23 ग्राम होता है। Cl से क्या हो गया, Cl से हो गया क्लोरीन, 17वां नंबर देखिए, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35.5 ग्राम। आपको क्या निकालना है, आपको NaCl का निकालना है, Na का क्या हो गया, Na का हो गया 23 ग्राम, Cl का हो गया कितना 35.5 ग्राम, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 58.5 ग्राम, ठीक है।
58.5 ग्राम, यही हो गया आंसर। तो परमाणु द्रव्यमान आई होप निकालने सीख गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में परमाणु द्रव्यमान के अलावा बहुत कुछ निकालने पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसको समझा दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 383 देखेंगे। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या रोक करके आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे कि हाँ समझ गए। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन हम सब सेम टाइप का देखे। 383 नंबर प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है SO2 के 16 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे आप ज्ञात करेंगे हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका एक सूत्र आता है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मोलों की संख्या ठीक है, मोलों को एन से निरूपित करते हैं और एन बराबर होता है स्मॉल एन यानी छोटी एम बटे बड़ी एम, ठीक है कैपिटल एम। मोलों की संख्या एन बराबर एम बटे एन। अब ये एम बटे एम क्या हुआ, तो छोटा जो एम है यानी स्मॉल एम है, स्मॉल एम जो है छोटा एम, ये क्वेश्चन में दिया गया ग्राम है, ठीक है द्रव्यमान है क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है बहुत ही इजी है आप आराम से समझ लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान भाई, क्वेश्चन में कितना द्रव्यमान दिया हुआ है, तो 16 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है बहुत इजी है। अब ये कौन सा एम हुआ, बड़ी एम कौन सा हुआ, तो बड़ी एम बाबू अभी पिछले क्वेश्चन में हम सब देखे थे, बड़ी एम को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और परमाणु द्रव्यमान हम सब कैसे निकालते हैं, तो अभी मैं आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं जो क्वेश्चन है आपका SO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालें। एस से क्या हुआ, एस से सल्फर होता है, एस से क्या हो गया, तो यहाँ एस से सल्फर है, यहाँ एस का मतलब क्या है सल्फर, मतलब सल्फर है, क्या है सल्फर, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और इसका परमाणु भार यानी सल्फर का परमाणु भार, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार, सल्फर है 16वें नंबर पे और परमाणु भार 32 ग्राम होता है। और O2 है, O का मतलब आपको पता है, O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, बात बराबर है, परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो परमाणु भार हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 16 होना चाहिए, तो 16 है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन में यहाँ O2 दिया हुआ है, हमको O2 का निकालना है, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। और 32 और 32 को जोड़ना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है SO2 का, तो S का 32 ग्राम, O2 का, O का 16 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु है तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32 और 32 कितना 64 ग्राम, 16 दुनी 32 हो जाएगा, 32 ग्राम प्लस 32 ग्राम बराबर 64 ग्राम, यही क्या कहलाता है, ये हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान, जो कि 381 और 382 नंबर क्वेश्चन में देखे थे। इसी परमाणु द्रव्यमान को हम सब बड़ी एम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बड़ी एम बोलेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे ढंग से समझा दिया, मोलों की संख्या एन, एन बराबर छोटी एम बटे बड़ी एम, छोटी एम का मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया गया है 16 ग्राम, वही हो जाएगा। बड़ी एम कैसे निकालेंगे, तो बड़ी एम को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और हमको SO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो SO2 का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ S का मतलब होता है सल्फर और सल्फर का परमाणु भार 32 ग्राम होता है, कितना होता है 32 ग्राम होता है। और वहीं ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु लिए हैं, इसलिए 2 से गुना किए और 16 गुना 2 जब करेंगे तो 32 ग्राम होगा, और इस 32 ग्राम और 32 ग्राम को जब जोड़ेंगे तो 64 ग्राम होगा, और यही 64 ग्राम क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, और यही परमाणु द्रव्यमान को बड़ी एम बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ी एम आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 64 ग्राम हुआ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब जल्दी से मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर लेंगे आप सब। चलिए अब यहाँ पे हम सबको मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैं अभी आपको फॉर्मूला भी बता दिया, एम बटे एम, एम का मतलब क्या था, तो एम का मतलब था दिया गया द्रव्यमान, 16 ग्राम दिया गया है 16 ग्राम लिख देंगे। एम का मतलब क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, एम का मतलब क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, और SO2 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा
तो एस का हो गया 32 ग्राम परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम, और चूंकि यहाँ पे दो अणु दिया हुआ है तो दो से गुना करेंगे और 16 गुना दो हो जाएगा 32 ग्राम, और 32 और 32 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64 ग्राम, यानी यहाँ पे लिखेंगे 64 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 16 एक 16, 16 चौकी 64, 1/4, और 4 को जब 1 से भाग करेंगे तो 0.2, यही हो गया मोल का संख्या, मोल का संख्या। आई होप कि पढ़ने में मजा आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा तो आप सब जरूर घर में बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 384 देखते हैं। नियॉन के 21 ग्रामों में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो हम सब सबसे पहले सूत्र पे बात कर लेते हैं, तो मोलों की संख्या हम सबको निकालना है, तो मोलों की संख्या n बराबर, मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल m बटे बड़ी m, मैं भी फॉर्मूला आपको बताया, स्मॉल m का मतलब मैं आपको क्या बताया, जो दिया गया परमाणु है, यानी जो दिया गया परमाणु द्रव्यमान है कितना दिया गया है, तो 21 ग्राम आपके सवाल में दे दिया है तो ऊपर वही लिखेंगे। ये m का मतलब क्या हुआ, यानी बड़ी m का मतलब क्या होता है, अभी हम सब पिछले क्वेश्चन में देखे, बड़ी m का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो किसका परमाणु द्रव्यमान चाहिए, नियॉन का, तो इसका तो इजी वे में निकल जाएगा, नियॉन का परमाणु द्रव्यमान, नियॉन का परमाणु द्रव्यमान तुरंत अब निकालने आप सीख जाएंगे। तो चलिए परमाणु द्रव्यमान नियॉन का देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोल लें या परमाणु भार बोल लें बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे दसवां देखिए, दसवां रैंक पे परमाणु द्रव्यमान 20 है, यानी इसका वैल्यू हो गया 20 ग्राम, ठीक है, तो एम बराबर क्या हो गया 20, यही 20 ग्राम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बड़ी एम, जो की सूत्र में दिया गया है। तो 20 से जब आप 21 में भाग देंगे तो 1.05, यही होगा मोलों की संख्या, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही इजी था 384 नंबर। तो इस टाइप के सवाल अभी और देखेंगे एक दो, चलिए एक और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 385 नंबर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए उसी टाइप के दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर तीसरे टाइप का हम सब क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे, बिहार एसएससी में आपका आने वाला है, इसलिए इसको जरूर आप करके जाए, सीख के जाए, ठीक है। चलिए 385वां क्वेश्चन, 64 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपसे बात किया मोलों की संख्या के ऊपर, सूत्र आप भूलेंगे नहीं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n, n बराबर क्या होता है, छोटी m बाय बड़ी m। अब m ये क्या दिया हुआ था, तो दिया गया जो द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान वो कितना दिया गया है, तो 64 ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 ग्राम। ये m कैसे निकालेंगे, तो इस m का मतलब था ये बड़ी m था, और बड़ी m का मतलब है परमाणु भार, किसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, किसका परमाणु द्रव्यमान, तो हीलियम का, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है या परमाणु भार, वो है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी इस बड़े वाले कैपिटल में हो जाएगा 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 4 से ये कितना बार में कट गया 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 मोल, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, तो O3 ओजोन के 8 ग्राम में मोलों की संख्या निकालिए, क्वेश्चन नंबर 386, ठीक है। ये तरीका जब आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर हम सब लिखेंगे मोलों की संख्या, अब आप मोलों की संख्या नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट आप एन बराबर भी लिखेंगे तो चलेगा, एन बराबर क्या मैं आपको बताया, छोटी एम बटे बड़ी एम, ठीक है। छोटी एम का मतलब क्या हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान, क्वेश्चन में क्या द्रव्यमान दिया गया, 8 ग्राम, बहुत आसान है, ये कौन सा एम है, तो ये बड़ी एम है, बड़ी एम है क्या है, बड़ी एम, और बड़ी एम को क्या बोलते हैं, तो परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान, ठीक है, मास। अब बताइए किसका परमाणु, तो ओ का, ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोन का निकालना है लेकिन ओ का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, ओ का यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हर्षी करोगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 ग्राम। देखिए बहुत बार यूज कर लिए हम सब, लेकिन हम सबको क्या 16 ग्राम निकालना है, सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना है, नहीं, हम सबको O3 का निकालना है, यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप सब, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 गुना 3 करेंगे तो 48 ग्राम होगा, यही हो गया आपका कैपिटल एम, क्या निकल गया, कैपिटल एम, यानी 48 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 8 8 8 6 48, 1/6, यही हो गया मोल का संख्या।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 386। अब जो अगला चार सवाल आएगा उसके लिए हम सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और बाकी पीडीएफ तो है ही। चलिए अगला जो चार सवाल है उसमें मैं आपको परमाणु की संख्या निकालने सिखाऊंगा, ठीक है, परमाणु की संख्या, ठीक है, आप सब सीखेंगे अच्छे ढंग से और समझने का प्रयास करेंगे परमाणु का संख्या। तो सबसे पहले एक सूत्र जान लें आप सब कि परमाणु का संख्या बराबर होता है एन फिर एन ए गुना एक अणु में परमाणु की संख्या। अब ये क्या होता है एन एन ए, ये सब मैं क्या लिखाऊं, सबसे पहले एन पे आते हैं। तो अभी एन के बारे में हम सब बहुत अच्छे ढंग से सीखे, किसको बोलते हैं मोलों की संख्या, क्या बोलते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ध्यान से समझेंगे आप सब, इससे भी प्रश्न आएगा बनने के लिए। और इसका सूत्र मैं आपको बताया छोटी एम बटे बड़ी एम, और इस छोटी एम के बारे में बताया कि ये दिया गया क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान है, क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान है, क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान है। और इस बड़ी एम के बारे में मैं बताया कि ये क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है, जो कि पिछले कुछ क्वेश्चन में हम सब निकालने सीखे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर एन ए क्या होता है, तो एन ए का मतलब होता है एवोग्राडो नंबर, एवोग्राडो संख्या, क्या होता है एवोग्राडो संख्या भाई, तो इसका वैल्यू होता है 6.022 × 10³, याद रखेंगे 6.022 × 10³। एक अणु में परमाणु की संख्या क्या हुआ, एक अणु में परमाणु की संख्या, जैसे इसको कैसे हम सब समझेंगे, जैसे मैं आपको बोला CO2, तो C में कितना यानी कार्बन में कितना अणु है, तो एक दिख रहा है आपको कि कार्बन एक ही है, C एक ही है तो एक हो गया। ऑक्सीजन में कितना अणु है, तो देखिए दो दिखा हुआ है, तो दो और एक क्या हो जाएगा 3, समझ में आ गया। अगर हमको परमाणु की संख्या अगले चार सवाल में निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो ये सूत्र है एन गुना एन ए गुना एक अणु में परमाणु की संख्या। एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का मतलब होता है एम बटे एम यानी छोटी एम बटे बड़ी एम। छोटी एम का मतलब हो गया दिया गया द्रव्यमान, बड़ी एम का मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद एन ए का मतलब हो गया एवोग्राडो संख्या। ये सब मैं सेट 38 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सेट 38 तक हम सब टोटल 380 क्वेश्चन एनसीईआरटी सीरीज का कर लिए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके एक नंबर से शुरू करें सेट एक से और देख जाएं, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। उसके बाद लास्ट वाला है एक अणु में परमाणु की संख्या, तो एक अणु में परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, CO2 एक और दो हो गया 3, कार्बन का एक, और जैसे CaCO3 एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं, तो Ca कैल्शियम कितना दिख रहा है 1, कार्बन कितना दिख रहा है भाई 1, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 3, तो टोटल कितना हो गया 5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे का जितना भी प्रश्न बनने वाला है इस फॉर्मूला पे बनने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार इसका आप सब देख लीजिए, एक बार उतार लें कॉपी में, फिर उसके बाद हम सब आगे का कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल है 387 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के 11 ग्राम में परमाणुओं की संख्या लिखिए, ठीक है। तो हम सबको परमाणु की संख्या के ऊपर चार सवाल अगला बनाना है जिससे आप सीख जाएंगे अच्छे ढंग से। तो मैं आपसे बात किया कि परमाणु की संख्या बराबर होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। परमाणु की संख्या का फॉर्मूला मैं आपको अच्छे ढंग से बताया क्या होता है भाई, तो सबसे पहले मोलों की संख्या, फिर होता है एवोग्राडो नंबर, फिर क्या होता है एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या, एक अणुओं में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे, एक अणु में परमाणु की संख्या, शायद मैं यही लिखाया हूं आप सबको, एक अणु में परमाणुओं की संख्या, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम सबको एन चाहिए होगा, फिर एवोग्राडो संख्या चाहिए होगा, और एक अणु में परमाणु की संख्या चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले एन निकालते हैं, एन क्या था, मोलों की संख्या, याद कीजिए एन क्या था, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का सूत्र होता है स्मॉल एम बटे बिग एम, ठीक है, कैपिटल एम। अब स्मॉल एम का मतलब क्या बोला था मैं कि क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान, भाई क्वेश्चन में कितना द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 11 ग्राम, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 11 ग्राम। एम का मतलब मैं आपको क्या समझाया था, तो एम का मतलब मैं समझाया था आपको परमाणु द्रव्यमान, किसका भाई परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, CO2 का निकालेंगे हम सब परमाणु
परमाणु द्रव्यमान। कैसे? तो कार्बन का भाई परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन पे आते हैं हम सब, 6 नंबर कार्बन। कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बात बराबर है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 12 है, आप लिख देंगे 12। ऑक्सीजन में आते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो आप लिख देंगे 16, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और कितना अणु है, 2, तो कितना से गुना करेंगे, 2, तो 12 प्लस 16 गुना 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 गुना 12 करेंगे तो 44 ग्राम, यही निकल जाएगा कैपिटल एम, जो कि हम सब पिछले क्वेश्चन में भी बनाए, यानी यहाँ पे 11/44 होगा, बाकी बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हम सबको क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान क्यों निकालना है, क्योंकि n बराबर होता है छोटी m बटे बड़ी m। छोटी m का मतलब होता है क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान, क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान 11 ग्राम है, तो इसलिए यहाँ पे 11 हो गया। यहाँ पे बड़ी m है, बड़ी m का मतलब क्या हुआ, बड़ी m का मतलब हो गया भैया परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या, कैसे निकालेंगे हम सब, हाउ टू कैलकुलेट परमाणु द्रव्यमान, कैसे निकालना है हम सबको, आधा इंग्लिश आधा उर्दू क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पे वापस आते हैं, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार भैया 12 है, और ऑक्सीजन का है 16, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ हमको O2 चाहिए, 2 अणु दिया गया है, इसलिए 2 से गुना किए, 3 अणु चाहिए होता 3 से गुना करते, 4 अणु चाहिए होता 4 से गुना करते, ठीक है। 16 दुनी 32 और कैलकुलेट करेंगे तो 44 ग्राम हो गया, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, एन का। एन ए का मतलब क्या होता है, तो अभी मैं आपसे चर्चा किया, इसी को एवोग्राडो संख्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एवोग्राडो संख्या, एवोग्राडो, एवोग्राडो संख्या, क्या बोलते हैं, एवोग्राडो संख्या, याद करते जाएंगे। और इसका वैल्यू मैं आपको बता दिया, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 6.022 गुना 10^23, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। एक अणु में परमाणु की संख्या, इसको कैसे निकालेंगे, तो एक अणुओं में, एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, एक अणु में परमाणु की संख्या, आप किसका परमाणु अणु निकालेंगे, तो CO2 का निकालेंगे, तो बताइए C का परमाणु कितना हो गया, C एक दिख रहा है तो एक, और ऑक्सीजन का 2 अणु हो गया, तो टोटल मिला के 3 हो गया। आई होप कि हम सबके पास अब सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुका है। अब चलिए इस पे कैलकुलेट करते हैं, तो n का वैल्यू कितना निकाले हम सब, 11/44, कैसे निकाले हम सब देख लिए, एवोग्राडो संख्या कभी नहीं बदलेगा, तो 6.22 × 10^23, उसके बाद आपका एक अणु में परमाणु की संख्या तो हो जाएगा 3, इसको कटा दीजिए 4 बार में, और इसको अगर आप भाग देंगे तो मैं भाग उग करके पहले से रखा हूं, तो चूंकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे तो लगभग आ जाएगा यहाँ कटा करके 1.5055, बाकी सब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 × 3 और गुना 10^23, और जब इसको बनाएंगे तो 15 या कितना हो जाएगा 45, इतना क्या हो जाएगा परमाणु, सॉरी परमाणु संख्या, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा परमाणुओं की संख्या। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है मैथ, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन हम सब देखते हैं, पर इससे पहले आप इसको एक बार देख लें आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 388 नंबर, CaCO3 के 12.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला चाहिए, तो परमाणु की संख्या का फॉर्मूला अभी मैं आपसे शेयर किया कि परमाणु की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन गुना एन ए गुना एक अणु में परमाणु की संख्या, एक अणु में, एक अणुओं में परमाणु की संख्या, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं आप, परमाणु की संख्या ध्यान से समझेंगे, तो हम सबको 3 व्यक्ति की आवश्यकता है, एन एन ए और एक अणु में परमाणु की संख्या। इस एन का मतलब क्या है, तो छोटी एम बटे बड़ी एम, छोटी एम का मतलब क्या हो गया भैया, तो छोटी एम का मतलब होता है जो सवाल में, जो क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान है, कितना दिया गया है 12.5, बड़ी एम का मतलब क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान, और बड़ी एम कैसे निकालेंगे आपसे अब, तो किसका बड़ी एम निकालना है, तो CaCO3, कैसे निकालेंगे बड़ी एम, बड़ी एम कैसे निकालें, कैसे निकलेगा, तो CaCO3। अब बताइए CA का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो
तो 40 ग्राम देखिए, 40 ग्राम ये याद कर लीजिएगा, इसके बिना आपका बनेगा नहीं। तो 40 ग्राम कैल्शियम का हो गया, प्लस दे दे कार्बन का कितना होगा, कार्बन पे आइए, यहाँ देखिए 12 ग्राम, बहुत बार यूज कर लिए आंसर, तो 12 ग्राम आपका कार्बन का हो गया। O3, O3 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, 16 ग्राम का मतलब हो गया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है कितना, 3 है, तो इसलिए कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ हो गया 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 16 किया 48 ग्राम, जब आप सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 100 ग्राम ये क्या निकल जाएगा, कैपिटल M, यानी यहाँ पे क्या हो गया 100 ग्राम। आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि आगे भी लिखना है हम सबको, ठीक है। चलिए ये सब जैसे भी क्वेश्चन जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री में खास करके रहेगा वो मैं इसी तरह बोर्ड पे आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल पेपर पेज पे आता है, आप सब देखते ही है। बाकी चलिए Na का मतलब क्या हो गया, तो Na का मतलब मैं आपको समझा दिया, एवोगाड्रो संख्या होता है, एवोगाड्रो संख्या होता है जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10³, 6.022 × 10³। एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या, एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो CaCO3 को पहले आप उतार दें, CaCO3, तो कैल्शियम कितना दिख रहा है भाई, तो एक दिख रहा है, कार्बन में भी एक ही दिख रहा है C, लेकिन ऑक्सीजन में कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, और सबको जब आप मैच कर देंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब बताइए मोलों की संख्या, एन बराबर हम सब कितना निकाले हैं, 12.5/100, एवोगाड्रो संख्या बदलता नहीं है 6.22 × 10³, और एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या है 5, तो 5 से इसको कटा दें, 20 बार में कट जाएगा, इसको 20 से भाग देंगे, तो ये सब मैं कैलकुलेट करके रख लिया हूं, तो चलिए इसका मैं यूटिलाइज कर लेता हूं, ठीक है। ये सब आप कटा पिटा लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ये कोई मैथ का क्लास तो है नहीं कि जोड़ भागा आपको मैं सिखाऊं, अब इन सबको जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा गुना करके, इन सबको गुना कर देंगे, 10³ को आपको गुना नहीं करना है, तो 375 × 10³ परमाणु, वैसे ऑप्शन रहेगा 4 तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आधा बनाते बनाते ही आपको आ जाएगा कि अच्छा 3 से शुरू हो रहा है, तो वहां पे ऑप्शन में जो 3 से होगा वही आंसर हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए 388 देख लिए, अभी 2 सवाल और देख लेते हैं इस टाइप का, और फिर वीडियो का हम सब अंत करेंगे। आई होप कि आप सबको मजा आ रहा होगा, सेशन लंबी चल रही है क्योंकि कैलकुलेशन है इस वजह से। अब समझाने का काम हो गया, अब मैं जल्दी जल्दी आपको 2 सवाल और इस टाइप का बता देता हूँ, ठीक है। तो NaCl में 44 ग्राम में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, सूत्र वही रहेगा, परमाणु की संख्या अभी हम सब देख ही लिए क्या होता है, मोलों की संख्या N से निरूपित किए, Na हो गया एवोगाड्रो संख्या, और एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो n बराबर होता है छोटी m बटे बड़ी m, छोटी m के बारे में मैं बता दिया, सवाल में जो दिया गया द्रव्यमान है, सवाल में कितना दिया गया है 44 ग्राम, तो यहाँ पे 44 ग्राम कर देंगे आप। बड़ी m का मतलब क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसका, तो NaCl नमक का, NaCl कैसे निकालेंगे, m कैसे निकालेंगे, तो NaCl, Na का मतलब हो गया सोडियम, सोडियम 11वें नंबर पे होगा और सोडियम का 23 है, उसके बाद क्लोराइड यानी क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन Cl देखिए यहाँ है 17 नंबर पे, 35.5 हो गया, दोनों को मिला दीजिए 58.5 हो गया, यही 58.5 क्या हो जाएगा कैपिटल M, यानी यहाँ पे हो जाएगा 58.5 ग्राम। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप समझेंगे ही नहीं, फिर आप सोचेंगे कि 58.5 आया कहाँ से, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, आप सब वीडियो रोक करके देख लेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए एवोगाड्रो संख्या तो बदलने वाला है नहीं, एवोगाड्रो संख्या नहीं बदलेगा, तो Na एवोगाड्रो संख्या क्या हो जाएगा 6.022 × 10³, और एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या NaCl का निकालिए, Na एक दिख रहा है, Cl एक दिख रहा है, यानी टोटल मिला के 2 है, क्या 2 है, तो एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये n कितना निकाल लिए, तो 44 / 58.5,
एवोगाड्रो संख्या कितना है 6.022 × 10³³ और एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या है 2। बाकी आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपका समय बचा देता हूं, कितना मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, आई थिंक एक मिनट। हाँ, इसको अगर काटा पीटी आप कर देंगे ठीक है तो 0.75 हो जाएगा, और ये सबको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इतना आ जाता है ठीक है। बाकी आप कटा करके खुद स्वयं देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं ठीक है। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं इसी टाइप का, और फिर वीडियो का अंत करेंगे ठीक है। चलिए इस टेस्ट का मतलब इस एनसीईआरटी के सेट 39 का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। O3 यानी ओजोन का है ये। ओजोन के 96 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, इस बार थोड़ा और ज्यादा स्पीड से हम सब बनाते हैं, तो परमाणु संख्या निकालना है हम सबको। परमाणु संख्या का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटे Na यानी एवोगाड्रो संख्या, और एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या, याद रखेंगे आप सब, एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या। n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब हो गया स्मॉल m बटे कैपिटल m, और कैसे निकालेंगे आप, तो जो दिया गया द्रव्यमान है वो स्मॉल m कहलाता है 96, और n का क्या निकलेगा यानी O3 का कैसे निकालेंगे, तो बताइए ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का भाई क्या होता है 16 ग्राम, और 3 अणु है तो 3 से गुणा करेंगे यानी 48 ग्राम हो जाएगा, और यही 48 ग्राम कैपिटल एम बन जाएगा, तो यहाँ 48 ग्राम हो गया, यहाँ 96 ग्राम हो गया, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, तो 96 ग्राम बटे 48 ग्राम ठीक है। एवोगाड्रो संख्या कभी बदलेगा नहीं, 6.022 × 10³³, और एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या कितना है, डायरेक्ट 3 दे दिया है तो 3 आप लिख दें, 48 × 2 करेंगे 96 आएगा, और जब आप सबको कैलकुलेट कर देंगे तो भैया आ जाएगा, जब इन सबको गुना कर देंगे तो 10³² को आपको गुना नहीं करना है ठीक है, तो हो जाएगा 36.132 × 10³³ परमाणु, 10³³ परमाणु, तो 390 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न थे, आई होप कि पढ़ने में मजा आया होगा, कुछ सीखे होंगे आप। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे ठीक है। देखिए हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट बना हुआ है वो ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपको बेवकूफ बनाया जाएगा ठीक है। मैं बोलता हूं हमेशा अपने क्लास में कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आप शॉर्टकट में जाते हैं, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने लगते हैं, इसलिए एग्जाम नहीं निकलता है। आप एक बार डीपली पढ़ेंगे, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, एक चैप्टर को फिनिश किए, जैसे एसआई मात्रा कम पढ़े, एसआई मात्रा के बारे में अच्छे ढंग से जाने बुक से, उसके बाद एमसीक्यू बनाएंगे तब जाकर के फायदा होगा, यानी डायरेक्ट एमसीक्यू पे आपको चल जाना है, वो तो काम करेगा ही, इसके बारे में मैं अलग से एक बार बताऊंगा भी ठीक है। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को और एक लाइक कर लेंगे, बाकी आपको कैसा लगा ये भी आप बताएंगे ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।